अभी हम चले गए हैं यहाँ पे गणेश जी के मेले में आ चुके हैं। मैं आपको गणेश जी के बैक साइड का सीन दिखाती हूँ, कितनी बड़ी मूर्ति बीच में आ रहे हैं। और ये जो तुमसे लव है ये आपके सामने है। आज लग रहा है कि मिली तो सेवा मिला, अब इसको मिनी दशहरा मेला के नाम से अगली बार अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। अब जी क्योंकि काफी बड़ी लंबी लाइन है, देखो तो आप लंबी लाइन की देखूंगा। आपके स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने जीवन का स्वयं ध्यान रखे, अपने पुरुष का ध्यान रखे, अपने मोबाइल का ध्यान रखे। जैसे आप देख रहे हैं और अगली बार एक मिनी दशहरा मेले के रूप में यह समिति कोशिश करेगी आपके सहयोग से। जो भक्तजन कल प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, गणपति जी के भोग लगाना चाहते हैं, वो 5:30 बजे के पहले पहले अरे मत गिराओ। अरे ऐसे कौन सी जल्दी हो रही भाभी जी, आलू बड़े खत्म नहीं हो रहे, आप चिंता मत करो, इतनी जल्दी मत करो। वो लाइट का वही गिरा दिया कमले। अरे इधर से आ जाए, बस बस के लिए काम हो रहे क्या, आ जाए। ये बुढ़िया कह रही मेरे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते, बिना गणपति जी की कसम है कल छुट्टी रखेंगे यार। ये जो पूरी ये जनता है जो जनसाला आज जनता है इसलिए दस दिन से लगातार इतनी भीड़ देखते हैं। ये जो रस्ता है आप अगले स्वागत करते हैं अगली बार कोशिश होती है कि माता का मेला दशहरा में काम हो रहे क्या, आ जाए दिखाएंगे। ये बुढ़िया कह रही मेरे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते, बिना गणपति जी की कसम है कल छुट्टी रखेंगे यार, करनी छुट्टी नहीं 2 बजे तक नहीं, सुबह से ही छुट्टी करोगे आप, ऐसे थोड़े होता है यार, एक दिन भगवान के लिए तो छोड़ो, पक्का छुट्टी करोगे? मैं कल छुट्टी नहीं करूंगा, ये तो कह रहे हैं मैं कल छुट्टी नहीं करूंगा। अगर ये कल छुट्टी नहीं करेंगे तो हम सुबह इनके घर पर ताला लगा देंगे, तो ये जाएंगे ही नहीं। अभी ये बेटी को कह देंगे, ये इनकी बेटी है, ये कल पापा की छुट्टी करानी कैसे नहीं करते, एक दिन भगवान के लिए गणपति जी के लिए केवल साल दिन वो साल भर में एक दिन गणपति गजानन जी के दरबार में जरूर बताए, सभी साथ है गणपति जी के साथ है। ये जो पूरी ये जनता है जो जनसाला आज जनता है पिछले 10 दिन से लगातार इतनी भीड़ देखते हैं, ये जो रास्ता है आप अगले स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और इस निधि दशहरा मेले में
में अगली बार कोशिश होती है कि पौधा ना मिले दशहरा मेला सजाया जाएगा। अरे मत करो भैया, एक तरफ जाए ना दिखाने दे। ये देखिए गाइस, क्या दिखा रहे? ये देखिए वहाँ बटन आया, फिर गिर गया। स्वामी कहीं गुम हो गए, कृपया जहाँ कहीं भी हो पंडाल के सामने आ जाए। अब मान लीजिए दशहरा मेला हो गया, नहीं भी दशहरा मेला, देखो कितने बच्चे घूम चुके हैं अब तक, और यहाँ फंसा चुके हैं यहाँ। दो बच्चे, उनके पापा दो अलग अलग पंडाल के सामने कर रहे हैं, इधर आ जाए। छोटे छोटे मास्क और फोन, ये रहे पॉपकॉर्न जो आप लेने जा रहे थे। जहाँ कहीं भी हो उनके पापा पंडाल के सामने योगिता के जी पॉपकॉर्न इस समिति द्वारा इतना सुंदर ये मेला आपके लिए लगाया है, सजाया गया है गणपति जी का दरबार। ये देखो बड़ी वाली चाहिए थी ना आपको, आपके लिए आप लोग साथ साथ उसका चित्र दिखाएंगे। आने वाले टाइम में समिति का देखिएगा कड़े तो है, कड़े की सिवा तो कुछ नहीं। और ये जो मेला है गलेगा यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह गाइस। हम अभी मेले में घूमकर आ चुके हैं, काफी मस्त मजा आया, हमने खूब झूले भी झूले, हम उस गाड़ी वाले जो था उसमें भी बैठे, अब हम जा रहे हैं घर। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए। वो देखिए मेरी सिस्टर बैठी हुई है अभी, और अभी मेरी भाषा गई है प्रसाद वगैरह लेने के लिए, उसके बाद हम अब हम जाएंगे। ओके गाइस, राइट, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में।